मैं एक बात मीडिया के माध्यम से कहनी चाहता हूँ कि जो सर्वे हो वो सर्वे सही हो, फेक ना हो, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी मिली है सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर कुछ सर्वे ऐसे किए जा रहे हैं, प्लांटेड सर्वे, फैब्रिकेटेड सर्वे, जिसमें कि ये कोशिश की जा रही है कि फलां व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमने टिकट दिलाने के लिए सर्वे कराने हैं, उस पर मोहर लगानी है, उसको आगे दर्शा के टिकट दिलाना है। और मुझे जानकारी मिली है, अभी मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ये कहीं ना कहीं हिमाचल में भी ये चीज़ें चल रही हैं। एक कोई राहुल भंडारी करके कोई मुझे किसी ने नाम बताया, और वो किसी कांग्रेसी नेता का वो रियल भांजा है, वो सर्वे कर रहा है पूरे प्रदेश का इंक्लूडिंग चौपाल, कि किस जगह कौन सा सर्वे में कौन आगे कौन पीछे है। तो अगर इस ढंग से प्लांटेड सर्वे हम करेंगे तो वो मेरे हिसाब से पार्टी के हित में नहीं रहेगा, वो हम अपनी आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। ये मैं उत्तराखंड में जो अभी चुनाव हुआ हाल ही में, 4 महीने वहाँ मुझे रहने का मौका मिला, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बनाया था, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जो 3-3 बारी के ओरिजिनल सर्वे में आगे थे, लाइक जो हमारे पास एक यमुनोत्री सीट थी वहाँ पर जो 3-3 बारी के सर्वे में आगे थे, बाद में वहाँ पे 1-1.5 महीने में कोई ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो मनहरी तरीके से सर्वे करा के अपनी फेक रिपोर्ट बना के ले आते हैं और वहाँ से टिकट के लिए, जुगाड़मेंट के लिए वो अपना सर्वे दिखाते हैं और वो टिकट लेके आते हैं, और जो ओरिजिनल सर्वे था उनको टिकट ना मिल के टिकट मिल गया जो फर्जी सर्वे वाले को। और उसका परिणाम क्या हुआ, चुनाव हुए, उस चुनाव में जो निश्चित रूप से चुनाव में हमेशा जनता का ही सहयोग रहता है, जनता के आशीर्वाद से ही विधायक बनता है। आप फेक काम करोगे तो जनता फेक काम करने वाले साथ नहीं चलेगी। वहाँ क्या हुआ कि जो इस व्यक्ति के सर्वे में जो ठीक चल रहा था, लोगों ने उन्हें इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। कहीं यहाँ पे ना हो, क्योंकि जिस ढंग की यहाँ पे संभावनाएँ पाई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नेता अपने नेताओं को अरेस्ट करने के चक्कर में ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। सर्वे की फेक रिपोर्टें अभी स्क्रीनिंग कमेटी की होनी है, मीटिंग हमारी उसमें पेश करेंगे, CEC में पेश करेंगे। तो मेरा ये आग्रह है हाईकमान से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और श्रीमती प्रियंका गांधी जी से कि कृपया करके अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, अभी 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, अपनी ऐसी टीम दिल्ली से भेजिएगा यहाँ पे जिसका पता ना हमें हो, ना हमारे प्रदेश के नेताओं का हो, ना हमारे प्रभारी को, जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कांग्रेसी हो उससे कोई इसका लिंकअप ही ना हो। कोई ऐसी स्टेट से सर्वे की टीम यहाँ से भेजी जाए जो आपको सीधी रिपोर्ट करे और सही रिपोर्ट दे, उसमें चाहे हम पीछे हो, जो आगे उन्हें टिकट दिया जाए।